तो देखो साइंस में क्लास टेंथ साइंस है और लेसन नंबर 4 आ पेज नंबर कितना 68 है ना, इसी के बाद हम लोग करेंगे। पहले देखो एक चीज बताते हैं बाबू, ए इधर आओ यार, लप लप के बतिया उधर। लुईस बिंदु संरचना, लुईस बिंदु संरचना, तो सुनो हम आपको पढ़ाए थे, आज एक बार फिर इसको जिक्र करेंगे। सुनो कोई भी परमाणु है, एकदम आराम से पढ़ो आज दिल खोलकर, कोई भी परमाणु है उसके अंतिम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं जब उस परमाणु को ऊपर प्रदर्शित कर देते हैं तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसा आपको पढ़ाया गया था। कार्बन, कार्बन का नाम सुना है ना, बताओ कार्बन के किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2.4। अब ये भी बात है कि सर आप 2.4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रूल होता है 2, 8, 18, 32, तो पहले में 2 रख दीजिए, आज जितना बचा उसको दूसरे में रख लीजिए, अंतिम में 4 आया ना, तो कार्बन के ऊपर कितना दिखा देंगे, 4 दिखा देंगे। चलो यानी कार्बन के ऊपर कितना दिखा दीजिए, 4, यही तो है कार्बन की लुईस बिंदु संरचना। अच्छा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसे बोल सकते हैं, 2 से परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो आप इसको 2.6 लिखेंगे तो ऑक्सीजन दिखा के 2, 2, 4, 2, 6 दिखा दीजिए, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा, मान लो कोई कहता है कि तन एनओ को दिखाइए, तन एनओ 2 को दिखाइए, तन एनओ 3 का दिखाइए, कहीं एनओ 2, अब चलो इतना पहले देख लेते हैं, मान लो सी ओ 2 का दिखाइए, कहीं किसी ने कहा तो इसको किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। पहले सी ओ 2 को हम बता देते हैं किस तरीके से आप दिखाएंगे, ठीक है, लुईस बिंदु संरचना के हिसाब से। तो आपको पहले कार्बन है तो कार्बन का 6 होता है तो 2.6 आ जाएगा, 4, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2.6 हो जाएगा, एकदम समझना, एकदम समझना, कोई दिक्कत है। कार्बन एक साइड के आया था आपके एग्जाम में भी आया था, तो आप कार्बन पहले 6 देखिए तो 2.4 लिख लीजिए, हाँ ऑक्सीजन 8 है 2.6। अगर आपको कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं किसी को भी, पहले एकदम निश्चित है कि 2 लिखेंगे। अच्छा मान लो 10 होता तो समझो, अगर यहाँ 10 होता तो क्या लिखते आप, 2.8, 10 हो गया, 11 होता तब तो ये 9 नहीं लिखेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि रूल होता है 2, 8, 18, 32, ये चीज़ आपका होता है। क्या कर रहे हैं भाई, तो ये पढ़ाई तो करो, देखो समझो तो नहीं, सीखो बोलिए, 2, 8, 18 लिखा जो 6 में 2, 4 2, 8 लिखाई, जो 6 बोल रही बा तो 2, 8, 4 नहीं लिखेंगे, रूल होता है, रूल क्या होता है 2, 8, लड़की सही प्रश्न की है 18, 32, तो पूछिए कि यहाँ पर आप सर 4 क्यों लिखें, या देखो जब हिम्मत देखो 2 हो गई, आ अगर 8 तक बा जैसे 7 तक बाद तो हे के लिखाई, अगर इसे कहने का मतलब कि अगर 9 रही 9 तो या 2 लिखा तो ये 7 लिखाई, 8 बा तो 2 लिखाई तो या 6 लिखा जी, 4 बा तो 2 लिखाई तो 4 लिखा जी, 6 नियम के अनुसार चला गया, 8 से अधिक नहीं होगा 8 रहेगा, लेकिन जरा सोचो 10 आ जाएगा, क्या आ गया 2, 8, तो आप इसको 2, 8 लिखेंगे, सोचो 11 आ गया तो 2, 8, अब यहाँ पर 9 नहीं हो सकता क्योंकि हमारा नियम ही है कि 8 से अधिक रखेंगे ही नहीं, तो अब यहाँ पर 1 आगे चला गया, अभी कहाँ तक जाएगा जानते हैं, जहाँ तक जिस मान लो कोई कह दिया 15 है तो 2, 8, 5 लिखेंगे, लिखेंगे इसको, वही कह दिया 20 है तो 2, 8, अब बताइए 18 तो लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पर 18 लिखेंगे तो अधिक हो जाएगा, 18, 8, 26, 2, 28 हो जाएगा, तो सुनो 2, 8। अच्छा आप कह रहे हैं सर तो यहाँ पर 10 क्यों नहीं लिखेंगे, ये भी गलत है, 8 ही होगा, सुने चीज बताते हैं, सुनो सुनो ध्यान से, ये आप 9 में सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े इसमें पढ़िए ना, क्या कर रहे हैं भाई, 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया ना, तो अब देखिए आपने 2 भर दिया, 20 के लिए 2 भर दिया, 8 भर दिया, अब आपको करना क्या है, इधर सुनो, ए इधर देखो 2 भर दिया 8 भर दिया, अब करना क्या है कि आप पीछे जाइए, 8 पर आ गए ना, 18 पर गए तो देख रहे हैं कि आप 18 भर दे रहे हैं यहाँ पर, तो 36 के कितना 28 से ज़्यादा, तो आप पीछे जाइए फिर 8 आइए, मैं क्या बता रहा हूँ तुम समझो, मैंने ही कहा कि 2, 20 के लिए आपको करना है तो 2 लिखे, 8 लिखे, 8 के बाद क्या लिखेंगे,
आप नियम के अनुसार तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, जब 18 है तो 10 होना चाहिए तो 20 हो जाएगा, लेकिन आप कर कह रहे हैं कि 18 रहेगा तभी लिखेंगे, 18 से अगर कम है तो पीछे बैक होंगे, तो जब पीछे आए तो 8 आ रहा है, तो हमने 8 लिख दिया। और देखिए कितना बचा, दो बच्चा, तब यहाँ पर कहा लिख देखिए प्रिंसिपल, यही तो सीखिए आज कम से कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो सीख लीजिए। अगर मैं कहूँ 30 है तो लॉन्ग 30 हो गए, 30 के लिए करना है तो कहा हो मालूम है 30 है तो कहा लिखोगे इसको, 2 कमा करके 8, अच्छा अब 18 लिख सकते हैं ना, बोले जोड़ लो 18 26 2 कहते ना 28, हाँ अब आइए पीछे बैक करिए, पीछे आएंगे बैक 18 के पीछे आएंगे तो 8 आता है ना, तो हम तो 8 भरेंगे नहीं और ही बैक करेंगे, तो कितना आ गया 2, तो 2 भर दो, 50 आ गया, मान लो 50 कितना आ गया, तो 50 आ गया तो क्या लिखेंगे 2 8 18, अब 32 मत लिखना तो 60 हो जाएगा, 32 आप लिखेंगे तो कितना आ गया 60, देख लो 32 को 18 को 50 को 10 को 60, तो 32 पर मत जाएंगे फिर बैक आएंगे, कहाँ आएंगे बैक, 18 तो भर सकते हैं ना, तो यहाँ पर 18 लिखिए, 18 18 36 8 44, 36 8 44 2 46, 4 चाहिए ना तो 4 यहाँ पर भर दो, हो गया बात खत्म, बैक आ जाओ बुझाइएगा, अच्छा मान लो 80 दे दिया, का दे दिया तो का लिखोगे 2 8 18 32, एक मिनट अब ओकरा आगे तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 32 18 50 50 10 60, कितना चाहिए आपको 20 लिख दे ना, 32 से बैक आएंगे तो कितना है 18 18 देंगे तब 2 बचा दे, कुछ समझिए कि नहीं समझे, अच्छा मान लो कि 118 का कोई पूछ जाए, सबसे अंतिम तत्व यही है 118, ये क्या कर रहा है मालूम है, क्या कर रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक, तो पहले क्या लिखेंगे 2 8 2 8 18 32, तो 50 होता है, तो क्या होता है 50, तो कितना हो गया 110 हो गया होगा सर, अरे 32 18 50 10 60 50, 110 8 चाहिए, तब क्या भरेंगे 8 भर देंगे, हो गया चला, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आप लोग को याद रहेगा कैसे पूछा, एक्साइड का जी CO2 का बना रहे थे, चलो तो 2 कमा 6 क्या बनेगा, देखो CO2 है तो एगो कार्बन ये दिखा दो, आ कौ गो ऑक्सीजन बा 2 गो, ये तो समझो कौ ऑक्सीजन है 2, तो ये भेजा ऑक्सीजन, ये भेजा ऑक्सीजन, ठीक है। सुनो अगर मैं कहूँ आपसे कि बताओ इसके अंतिम में कितने हैं तो क्या कहोगे, 6 है ना ऑक्सीजन में, तो 2 गहेजा दिखा दो, 2 गहेजा दिखा दो, 2 गहेजा दिखा दो, इसके अंतिम में कितने हैं 6, तो 2 के यहाँ 2 गए यहाँ 2 गए यहाँ, आ इसके अंतिम में कितना है 4, ऐसे दिखा दो, मिला दो मेरे फोटो के सीने सही यार चिपका ले सही यार फेविकोल से मिल गया बन गया, ऐसे ही बनाना है बना लोगे आप, सुनो सुनो ये तो बन गया, मिला दे देखो सबके पास 60 हो गया, 2 गो 2 4 गो 8 2 गो 2 4 गो, एकरा करा के कार्बन काउंट करो तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, तो 8 जब एकरा लगे हो गए तो हैंगा खींचा जाए, तो मैं खूब सुंदर गोल बनाना आपको, ठीक है ये आपका हो गया, अच्छा अब एकरो 8 चाहिए ना तो 2 2 4 2 6 2 8, तो अब इसको ऐसे बना लेना 8 को मिले कलर, ठीक बा, अगर एक ना बना दे तब ठीक बा, आए कलर 8 को 2 2 4 2 6 2, ऐसे बनाए थे ना आप लोग, तो इसको नोट कर लो तनी आप लोग, तब आगे रख दे, अच्छा CH4 के मतलब जानते हैं ना, तक मेथेन है, एक नाम क्या होगा मेथेन, पढ़े थे आप लोग, कोई आपसे कहे कि इसका लुईस बिंदु संरचना बनाइए, है क्या नाम क्या होगा सल्फर डाई ऑक्साइड, एमे को कार्बन बा कार्बन एगो बा, एगो बा को हाइड्रोजन बा, तो चारों ओर से हाइड्रोजन जुटेगा, देखो कैंगन कार्बन के अंतिम में को होला
है क्या बात, चार ग्राम, एक दो तीन चार, कौन हाइड्रोजन बात चार ग्राम है क्या, हाइड्रोजन के नीचे चार है तो चार ग्राम, तो एक और नजीक लिखिए, एक दो तीन चार हो गया। और कार्बन का हाइड्रोजन के अंतिम में एक होता है तो अंतिम में कितना होता है एक, तो एक क्रॉस से दिखा दो कि पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ऐसा भी इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, जो बिंदु दिखा रहे हो क्या है इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, थोड़ा नीचे कर, इससे ये मिल गया, इससे ये मिल गया, इससे, ठीक है। अब बताओ हाइड्रोजन के अंतिम में कितने चाहिए, दो चाहिए ना, तो देखो इसको मिला दो इस तरीके से तो दो इसके पास हो गया, इसको मिला दो इससे तो दो इसके पास हो गया, इसको मिला दो इससे तो दो, साझदारी कर रहा है, देखो दो दो हो गया। अब कार्बन का आठ चाहिए ना, तो यहाँ से आरामे आरामे से लेकर बना लिए, अच्छा इसको बता दे, चलो बन जाएगा, पहले इसको देखो सल्फर डाइऑक्साइड का है आपके पास, तो यस ओ टू होता है, देखो यस लिखो, यस के अंतिम में कितना होता है, यस के परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, अरे बहुत अच्छा लगेगा जब आएगा बोर्ड में बनाया बेटा, तो दो आठ कितना हो गया 16 है, तो जब 16 है तो इसको दिखा देना कितना, दो यहाँ पर दिखा दो, दो यहाँ पर चार, और दो यहाँ पर दिखा दो छः, और कौन ऑक्सीजन है दो को, तो एक यहाँ पर दिखा दो एक यहाँ पर, ऑक्सीजन के अंतिम में कितना होता है 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 + 6, तो दो एक अलग है माने प्रतीक के रूप में दिखाएंगे आप, ठीक है इस तरीके से आप बता सकते, तो चलो इसको कितना चाहिए, देखो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन है, इससे ये मिला दो, इससे ये मिला दो, इससे ये मिला दो, एकाकी इलेक्ट्रॉन इससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, तो उसके बाद से इसके 8 होना चाहिए ना, तो इसको इस तरीके से मिला, और इसको भी 8 हो गया, और इसको मिलाओगे तो 10 हो जाएगा, चलो मिला, अगर शायद अगर कुछ भी आपको दिया जाए तो बना सकते हैं, वो एक आके इलेक्ट्रॉन है ना, वही से 10 हो गया, तो इस तरीके से अगर आपको आए, उसका नाम जानते हो ना कहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लो। 68 पर आपके दो क्वेश्चन दिया है, दोनों को सॉल्व हम करते हैं, मिटा दे सब मिटाएं आप, हाँ जी सर जी मिटाएं, देखो पहला आपका है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस बिंदु संरचना बनाइए, और दूसरा आपका है कि सल्फर ईट का लुईस बिंदु संरचना बनाइए, देखो दो क्वेश्चन आपका दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस बिंदु संरचना बनाना है CO2 का, और किसका बनाना है यस ईट का लुईस बिंदु संरचना, तो अच्छा बताओ इसको तो अभी बनाया गया ना, पहले कार्बन के कितना होता है 6, तो 2 + 4, ऑक्सीजन कितना होता है, अच्छा भले 2 ऑक्सीजन है, भले 2 ऑक्सीजन है लेकिन एक ही ऑक्सीजन दिखाना 8 होता है, इसको क्या करेंगे 2 + 6, अब यहाँ पर करो एक कार्बन है तो कार्बन दिखाओ, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 इधर किनारे ऑक्सीजन, तो कार्बन का, हाँ कार्बन के अंतिम में कितना होता है 4, तो 4 दिखा दो, इसके अंतिम में 6 होता है तो 6 दिखाओ पहले, इसके भी 6 दिखा दो, ठीक है, और आप जानते होंगे कि इसको मैचिंग करेगा, तो इसको 8 चाहिए तो इससे मैच करा दो, 2 + 4 = 6 + 8 हो जाएगा, और इसको 8 करना तो इसको भी मैच करा दो, आई 2 + 4 = 6 + 8 हो जाएगा, तो इसको ले आकर के इससे बना दो, बन गया सिंपल सा। अच्छा सल्फर वाला क्या होगा ना, 1 सल्फर 2 सल्फर 3 सल्फर 4 सल्फर 5 6 7 8 8 हो सल्फर हो गए, ठीक है बन गया सल्फर। अच्छा सल्फर के अंतिम में होता कितना है 6, अरे सल्फर का होता कितना है 16, तो 2 + 8 = 6, तो पहले 6 को भर, 2 + 2 = 4 हो सब में जी सर जी। चलो तो क्या हो, एक मैच कर जाएगा ये,
आयु व्याकरण से मैच कर जाए। तो बताओ इसके पास कितना हो गया, दो 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 चार एक पाँच, मतलब पाँच दो सात एक होता ना, तो फिर हैकरा से एगो मैच करी, ये जाए तो हैकरा से मैच करी, ये जाए तो हैकरा से मैच करी, तब हैकरा से मैच करी, तो सबके पास आठ आठ हो गए ना, तो ऐसे ही बनाना। अब आप चाहें तो जहाँ घुरिया रहे तो घुरिया चाहे ऐसे ही छोड़िए ना, क्या दिक्कत, चलो समझ में आया ना, तो बना लो इसको।